स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 7.2 को सॉल्व करेंगे, बट इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझ लेते हैं जिसका इसमें यूज होने वाला है। ठीक है, फर्स्ट है हमारा मार्क्ड प्राइस। अब मार्क्ड प्राइस क्या होता है इसे समझते हैं। मार्क्ड प्राइस या लिस्ट प्राइस एक ही चीज़ है। ठीक है, आपके कुछ क्वेश्चन में हो सकता है लिस्ट प्राइस लिखा है या क्वेश्चन में मार्क्ड प्राइस लिखा हो, दोनों सेम थिंग है। ठीक है, ये इसे शॉर्ट में हम MP लिखते हैं या LP लिख सकते हैं। लिस्ट प्राइस LP, मार्केट प्राइस के लिए MP, मोस्टली यही यूज होता है मार्केट प्राइस। ठीक है, तो मार्केट प्राइस क्या होता है? देखिए, कोई भी सामान आप जब खरीदते हो तो उस पर एक टैग लगा होता है, प्राइस टैग होता है। उस प्राइस टैग पे जो प्राइस लिखा होता है उसी प्राइस को बोलते हैं मार्केट प्राइस। मान लो आप टी शर्ट खरीदने गए, आपने कोई टी शर्ट को देखा, उस टी शर्ट पर एक टैग लगा हुआ, उस पर लिखा हुआ है कि ₹100 का आप टी शर्ट ले रहे हो, ये ₹100 जो है मार्केट प्राइस कहलाएगा। ठीक है, कॉस्ट प्राइस CP, ये तो आप जानते हो कि जितने में हम कोई सामान खरीदते हैं वो हमारे लिए कॉस्ट प्राइस होता है। सेलिंग प्राइस SP, ये भी आप समझते हो, जितने में सामान बेचा जाता है वो सेलिंग प्राइस कहलाएगा। क्लियर? नाउ डिस्काउंट। अब डिस्काउंट कैसे हम निकालेंगे, तो और डिस्काउंट क्या होता है ये आप जानते हो। मान लो ₹100 है, ये मार्क्ड प्राइस है टी शर्ट का, टी शर्ट खरीदने गए ₹100, और वो आपको प्राइस बोल रहा है कि ₹90 में, ₹100 तो मार्क्ड प्राइस है बट दुकान वाला उसे ₹90 में सेल कर रहा है। ठीक है, तो ये सेलिंग प्राइस है उसका, तो इसमें हमें डिस्काउंट मिल रहा है। क्या डिस्काउंट मिल रहा है? 100 में से 90 माइनस कर दिया तो ₹10 का डिस्काउंट हो रहा है हमें। ठीक है, तो यही डिस्काउंट होता है। तो डिस्काउंट के लिए फार्मूला क्या लगेगा? मार्क्ड प्राइस माइनस सेल्स प्राइस। सेल्स प्राइस या सेलिंग प्राइस सेम थिंग है। ओके, नाउ डिस्काउंट परसेंट कैसे हम निकालेंगे? तो डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए पहले डिस्काउंट चाहिए। सो डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस इंटू 100%। सेल्स टैक्स ST, शॉर्ट में से ST बोलते हैं। वैल्यू एडेड टैक्स यानी कि VAT एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST, ये तीनों ही एक तरह के टैक्स हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा सामानों पे लगाए जाते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जिसमें आपके डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। सो क्वेश्चन 1 इज, ड्यूरिंग अ सेल अ शॉप ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क्ड प्राइस ऑफ ऑल द आइटम्स। एक शॉपकीपर है, एक शॉप जो है सेल लगी हुई है, सेल के दौरान उसके पास जितने भी आइटम है उन सारे सामानों पे 10% का डिस्काउंट दे रहा है। व्हाट वुड अ कस्टमर हैव टू पे फॉर अ पेयर ऑफ जीन्स मार्क्ड एट ₹1450 एंड टू शर्ट्स मार्क्ड एट ₹850 इच। यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि कस्टमर कितना रुपया पे करेगा 10% डिस्काउंट पे। किस चीज़ पे? एक पेयर जीन्स खरीदने पे एंड टू शर्ट्स खरीदने पे। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, अ पेयर ऑफ जीन्स का मतलब होता है वन जीन्स, ये ध्यान में रखना। अ पेयर ऑफ जीन्स, अ पेयर ऑफ शूज, अ पेयर ऑफ सॉक्स, मतलब एक की ही बात हो रही है। ठीक है, अ पेयर ऑफ जीन्स, एक जीन्स की बात हो रही है। तो एक जीन्स पे मार्क्ड प्राइस दिया गया 1450, तो इस पे 10% डिस्काउंट लगने के बाद कस्टमर कितना पे करेगा ये पूछा जा रहा है। इसी तरह से टू शर्ट्स का मार्क्ड प्राइस दिया है ₹850 ईच, मतलब एक शर्ट पर जो टैग लगा है प्राइस टैग ₹850 का है। तो दो शर्ट का मार्क्ड प्राइस क्या होगा? 2cc × कर देंगे, दोनों शर्ट का मार्क्ड प्राइस निकल जाएगा। देन उस पर हम 10% डिस्काउंट निकाल देंगे, तो कस्टमर कितना पे करेगा ये निकल जाएगा। सो हम लिख लेंगे मार्क्ड प्राइस ऑफ अ पेयर ऑफ जीन्स इक्वल टू ₹1450। एक पेयर जीन्स का कॉस्ट दिया गया है, मतलब एक जीन्स का कॉस्ट है ₹1450, क्वेश्चन में गिवन है, लिख लिया। नाउ मार्क्ड प्राइस ऑफ वन शर्ट का भी मार्क्ड प्राइस गिवन है ₹850, और यहाँ दो शर्ट की बात की जा रही है। सो दो शर्ट का मार्क्ड प्राइस निकालेंगे। सो लिख लिया हमने देयरफॉर, इस साइन को बोलते हैं देयरफॉर, मार्क्ड प्राइस ऑफ टू शर्ट्स इक्वल टू 2 × 850 मल्टीप्लाई किया तो आ गया 1700। क्लियर? अब हम ये जीन्स का मार्क्ड प्राइस दो शर्ट के मार्क्ड प्राइस को ऐड कर लेंगे तो टोटल मार्क्ड प्राइस आ जाएगा। सो लिख लेंगे 10, मतलब इस तरह टोटल मार्क्ड प्राइस इक्वल टू, तो ये हो गया 1450 जीन्स का मार्क्ड प्राइस प्लस दोनों शर्ट का मार्क्ड प्राइस 1700। दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा इक्वल टू रुपीज़, ये हो गया 3150 रुपीज़ टोटल मार्क्ड प्राइस हो गया। अब इस टोटल पे 10% का डिस्काउंट निकाल लेंगे। सो डिस्काउंट हमें 10% दिया गया, सो 10% ऑफ ₹3150, इस पे 10% डिस्काउंट निकलेगा तो ये हो जाएगा 10% का मतलब 10 अपॉन में 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का साइन, एंड यह हो गया 3150। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल,
तो ये बच रहा है ₹350। ठीक है, तो टोटल मार्केट प्राइस 3150 पे डिस्काउंट हमें मिल रहा है ₹315। सो अब हम कितना पे करेगा कस्टमर वो निकालना है। सो हम लिख लेंगे यहाँ पर, हेंस कस्टमर हैड टू पे, हैव टू पे इक्वल टू, तो क्या करेगा, मार्क्ड प्राइस में से इस डिस्काउंट को माइनस कर देंगे। मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट इक्वल टू मार्क्ड प्राइस, टोटल मार्क प्राइस क्या है 3150। सो 3150 माइनस 315, दोनों को माइनस कर दीजिए, तो ये हमारा हो जाएगा ₹2835 इज द आंसर। सो कस्टमर कितना पे करेगा, 2835 रुपीज। नाउ क्वेश्चन नंबर टू इज, द प्राइस ऑफ अ टीवी इज ₹13,000, द सेल्स टैक्स चार्ज ऑन इट इज एट द रेट ऑफ 12%। एक टीवी है जिसका प्राइस दिया गया 13,000 और कहा जा रहा है कि इस 13,000 पे 12% सेल्स टैक्स लग रहा है। फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे इफ ही बाइज इट। अगर इसे विनोद खरीदता है तो कितना पे करेगा ये बताने। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमें क्या कहा जा रहा है, ये जो 12% है 13,000 पे लग रहा है। सो पहले टैक्स कितना लग रहा है ये परसेंटेज में दिया है, नंबर में पहले इसका टैक्स निकालेंगे, सेल्स टैक्स निकल जाएगा, जो हमारा सेल्स टैक्स होगा उसे 13,000 में ऐड कर देंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। सो यहाँ हम लिख लेंगे प्राइस ऑफ टीवी, जो बुक में हमें गिवन है ₹13,000 प्राइस ऑफ टीवी गिवन है, सेल्स टैक्स, सेल्स टैक्स लग रहा है 12%, सो 12%, अब 12% किस पे, 13,000 पे। सो लिखेंगे ऑफ ₹13,000। नाउ इसे सॉल्व करेंगे, 12% का मतलब 12/100 आ जाएगा, जब परसेंटेज साइन हटाते हैं तो अपॉन में 100 आता है, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का साइन, एंड यहाँ पे आ जाएगा 13,000। ये दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान देना, ये जो 13,000 है ऊपर में 12 के साथ मल्टीप्लाई 13,000, बहुत से बच्चे यहाँ कन्फ्यूज हो जाते हैं, नहीं समझ में आए तो इसके नीचे आप 1 लगा दो। ठीक है, कोई भी नंबर होता है उसके नीचे ऑलवेज 1 होता है, सो नहीं समझ में तो इसके नीचे यहाँ 1 लगा देंगे। अब तो क्लियर है, 100 × 1 है, 12 × 13,000 है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, दोनों जीरो कैंसिल हो गए तो बच गए हमारे पास 12 × 130, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टैक्स निकल जाएगा, तो इक्वल टू रुपीज, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जीरो यहाँ आ गया। नाउ 12 × 3 = 36 होता है, 36 का 3 कैरी 1 सॉरी कैरी 3, 12 × 1 = 12 + 3 = 15, सो 1560 ये सेल्स टैक्स हो गया। अगर आप चाहो सीखना चाहते हो कि मैंने कैसे इसे मल्टीप्लाई किया तो वो समय एक ट्रिक यहाँ दिखा देती हूँ आपको, जैसे ये 130, ठीक है, इसे मल्टीप्लाई करना है 12 से, तो पहले आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 1 से करोगे, फिर दोनों ऐड करोगे, टाइम लगता है, जल्दी हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको 12 का टेबल याद होना चाहिए। तो देखिए 12 × 0 = 0, 12 को 3 से इंटू कीजिए, 12 × 3 = 36, 36 में से 6 लिख देंगे 3 बच गया, 12 को अब 1 से इंटू करेंगे, 12 × 1 = 12 और 12 में 3 ऐड कर दीजिए तो 15, तो देखिए 1560 आ गया। क्लियर, ये इजी मेथड है तो इसे आप प्रैक्टिस करना आ जाएगा। विनोद हैव टू पे, विनोद कितना पे करेगा, जो प्राइस टीवी का उसे एंड उस पर ये टैक्स दोनों को ऐड करके 13,000 + 1560 = 14,560 रुपीज़ इतने पे करने होंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री इज, अरुण बॉट अ पेयर ऑफ स्केट्स एट अ सेल वेयर द डिस्काउंट गिवन वॉज 20%। इफ़ द अमाउंट ही पेज इज ₹1600, फाइंड द मार्क्ड प्राइस। यहाँ कहा जा रहा है कि अरुण जो है एक स्केट्स खरीदता है जिस पे 20% डिस्काउंट है, ओके, और वो दुकान वाले को स्केट्स के लिए ₹1600 पे करता है, तो हमसे मार्क्ड प्राइस पूछा गया, यानी कि ये जो 20% डिस्काउंट है किस प्राइस पे मिल रहा है, ये हमें निकालने हैं, दैट मीन्स मार्क्ड प्राइस। ओके, इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से समझिए, हमारे पास क्वेश्चन में डिस्काउंट गिवन है एंड पेड गिवन है, कि कितना पे किया जा रहा है ये गिवन है। ठीक है, तो पे हम क्या करते हैं, जब डिस्काउंट करने के बाद ही करते हैं, यानी कि इक्वल टू का साइन। अब यहाँ समझिए डिस्काउंट किस चीज़ पे मिल रहा है, तो हमें मार्क्ड प्राइस पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, तो डिस्काउंट तो हमें मार्क्ड प्राइस पे मिलेगा ना, सो मार्क्ड प्राइस हो गया, दैट मीन्स मार्क्ड प्राइस, जो मार्क्ड प्राइस है उसमें जो डिस्काउंट दिया जा रहा है उस डिस्काउंट को हम जब माइनस कर देते हैं तो हमारे पास पे निकल जाता है, मतलब पेड हमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ₹1600 पेड किया जा रहा है। ठीक है, तो ये 1600 कहाँ से आया, 20% डिस्काउंट के बाद, और डिस्काउंट होता है मार्क्ड प्राइस पे, सो मार्क्ड प्राइस को निकालने के लिए इसे हम एक्स मान लेंगे, और डिस्काउंट मार्क्ड प्राइस पे होगा तो इस डिस्काउंट को हम निकाल लेंगे एक्स पर 20%,
एंड वो इक्वल हो जाएगा 1600 के. ओके सो यहाँ हम लेट कर लेते हैं मार्केट प्राइस ऑफ हेस्केट्स इक्वल टू रुपीज एक्स. अब हमारे पास डिस्काउंट गिवन है सो यहाँ हम लिख लेंगे डिस्काउंट इक्वल टू, तो डिस्काउंट 20% है और 20% किस पे मिलेगा, मार्क्ड प्राइस पे, और मार्क्ड प्राइस को एक्स माना है. सो 20% ऑफ एक्स, इसे सॉल्व करेंगे 20% की जगह लिख लेंगे 20/100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई एंड ये एक्स, जीरो से जीरो कैंसिल, 2 1 जार 2 5 जार इक्वल टू 1/5x. नाउ इसे हम लिख सकते हैं 1 × x इज x अपॉन 5, ऐसे लिख सकते हैं. क्लियर. अब हमारे पास कितना टोटल पे है 1600, सो लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो मार्क्ड प्राइस है यानी कि एक्स में हम माइनस कर देंगे डिस्काउंट को, तो डिस्काउंट कितना निकल कर आया है x/5. सो x/5 जब हम मार्क्ड प्राइस से डिस्काउंट माइनस करते तो टोटल पेड आ जाता है यानी कि 1600 अमाउंट के इक्वल. ओके अब इसे सॉल्व कीजिए, एक्स के नीचे कुछ नहीं, दैट मीन्स 1 है, 1 और 5 का एलसीएम लेंगे 5 हो गया, इस 1 से इस 5 को डिवाइड करेंगे तो 5 आया, 5 को एक्स से इंटू करेंगे तो 5x, अब ये माइनस का साइन, अगेन इस 5 से एलसीएम 5 को डिवाइड करेंगे तो 5 से 5 डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को एक्स से इंटू करेंगे 1x यानी कि एक्स, 1x को डायरेक्ट हम x लिख सकते हैं. ठीक है इक्वल टू मैं ये 1600 5x माइनस 1x, या कोई नंबर नहीं दैट मीन्स 1 है, सो 5 माइनस 1 इज 4, तो ये हमारा हो गया 4x अपॉन में 5 इक्वल टू 1600. हमें x निकालना है, x हमने मार्क्ड प्राइस माना है, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या होगा, ये 5 जो है 1600 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई में आ जाएगा. सो 1600 इंटू 5 एंड ये x को हमने स्टॉप किया इसलिए 4 जो है 4 के साथ x के साथ 4 मल्टीप्लाई में, सो ये डिवाइड में आ जाएगा. यहाँ 4 डिवाइड कीजिए, 4 4 जार 16 एंड ये 00 इक्वल टू 4 × 5 20 एंड ये 20 2000 रुपीज़. यहाँ हम लिख लेंगे हैंस मार्क्ड प्राइस इक्वल टू रुपीज 2000 इज द आंसर. नाउ क्वेश्चन 4 इज आई परचेज्ड अ हेयर ड्रायर फॉर ₹5400 इंक्लूडिंग 8% वैट. यहाँ समझिए एक हेयर ड्रायर खरीदा गया, हेयर ड्रायर कितना में खरीदा, 5400 रुपीज़ में, इस 5400 में 8% वैट लगा हुआ है. ओके यानी जो प्राइस है उस प्राइस में वैट को ऐड किया गया, उसके बाद ये 5400 रुपीज़ बना है. फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वॉज एडेड, तो हमें ये 8% लगने से पहले क्या प्राइस था वो निकालना है. ओके इसको आप ऐसे समझिए जैसे प्राइस है, ठीक है, कोई सामान है जिसका प्राइस है, तो प्राइस दिया गया है और प्राइस के साथ उस पर वैट लग रहा है, तो प्लस में वैट यानी कि टैक्स लग गया, और ये दोनों मिल करके कितना हुआ 5400 रुपीज़. ठीक है तो अगेन हमें प्राइस निकालना है, तो प्राइस को क्या कर लेंगे, एक्स मान लेंगे, और ये जो वैट है 8% किस पे लग रहा है, इस एक्स के साथ. तो जैसे हमने क्वेश्चन 3 सॉल्व किया उसी तरीके से इसे भी करेंगे. सो लिख लेंगे हम लेट प्राइस बिफोर वैट, यानी वैट लगने से पहले जो प्राइस था बिफोर वैट वो एक्स रुपीज़ था. अब हमें इस पर वैट गिवन है, वैट इक्वल टू हमें गिवन है 8%, तो 8% किस पे है, प्राइस पे, यानी प्राइस हमने एक्स माना तो 8% ऑफ एक्स हो जाएगा, जिसका मतलब क्या होगा, 8% का मतलब 8/100 × x डिवाइड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 4 जार 8 एंड ये 50, अगेन 2 2 जार एंड ये 25 इक्वल टू में 2 × x इज 2x/20 5, तो ये हमारा वैट निकल कर आ गया. सो प्राइस में प्लस करेंगे वैट को तो ये इक्वल होगा पेड के बराबर. सो यहाँ हम लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स प्लस 2x/25 ये इक्वल है 5400 रुपीज़ के. सॉल्व करेंगे एक्स के नीचे कुछ नहीं दैट मीन्स 1 है और 1 एंड 25 का एलसीएम लेंगे पहले तो 25, इसके नीचे कुछ नहीं 1 है, 1 से 25 डिवाइड करेंगे आएगा 25, अब 25 को x से इंटू कीजिए तो 25x प्लस 25 से 25 डिवाइड करेंगे आएगा 1, 1 को 2x से इंटू करेंगे तो आ गया 2x इक्वल टू 5400. ठीक है 25 + 2 = 27x/25 इक्वल टू 5400. अब इस x को यहाँ स्टॉप कर लेंगे इक्वल टू, जब x को स्टॉप करेंगे तो 27 इंटू में x के साथ है सो 27 अपॉन में आ जाएगा एंड 25 5400 क्रॉस मल्टीप्लाई में आ गया 5400 इंटू में 25, अब डिवाइड कीजिए तो
27 से 54 को डिवाइड करेंगे, 27 इंटू 2 54 होता है, सो 27 टू जार 54 एंड ये 00 आ गया, 200 बन गया। 200 इंटू 25, 25 को 2 से इंटू करेंगे तो आ गया 25 टू जार 50 एंड इस पे ये 20 यानी कि 5000 रुपीज। सो देयरफॉर प्राइस बिफोर वैट इक्वल टू कितना था, 5000 रुपीज इज द आंसर। ठीक है, अब हमने जो समझा था यहाँ समझ लीजिए एक बार, प्राइस में जब हम वैट को ऐड कर देते हैं, प्राइस प्लस वैट जब ऐड करेंगे तो टोटल पेड निकल जाता है, कितना पे किया गया निकल गया, पे यहाँ कितना करा जा रहा है 5400, सो 5400 पे हुआ। ओके, और प्राइस हमने निकाला 5000, सो 5000 में प्लस वैट तो कितना प्लस होगा 400 इक्वल टू, क्लियर, यानी कि 5000 रुपीज प्राइस था, उस पर 400 वैट लगा, दोनों को ऐड कर दिया तो इक्वल हो गया 5400 के। ओके, नाउ क्वेश्चन 5 इज एन आर्टिकल वॉज परचेस्ड फॉर रुपीज 1239 इंक्लूडिंग GST ऑफ 18%, फाइंड द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर GST वॉज एडेड। जैसे क्वेश्चन 4 सॉल्व किया था उसी तरह से 5 भी सॉल्व होगा, यहाँ वैट नाम दे दिया गया, यहाँ GST और कोई चेंजिंग नहीं है। ठीक है, सो सबसे पहले यहाँ हम लिख लेंगे लेट प्राइस बिफोर GST इक्वल टू रुपीज एक्स कर लिया। नाउ GST हमें गिवन है, GST कितना गिवन है 18%, तो GST 18% और 18% किस पे लग रहा है, बिफोर प्राइस पे, और बिफोर प्राइस को हमने एक्स माना, दैट मीन्स 18% ऑफ एक्स। सॉल्व करेंगे तो 18 अपॉन में 100% जो है अपॉन 100 आ जाएगा, नाउ मल्टीप्लाई का साइन एंड ये एक्स, तो ये हमारा हो गया। अब डिवाइड कर लेते हैं, 29 जार एंड ये हो जाएगा 50 इक्वल टू 9 इंटू एक्स, 9x अपॉन में 50। अब हमें यहाँ क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि परचेज कितना में कर रहा है, 139 में, दैट मीन्स एक्स में जब इस दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा रुपीज 1239 के इक्वल। सो लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स यानी कि प्राइस प्लस GST, GST निकला 9x प्लस 50, दोनों मिलाकर आ गया हमारे पास रुपीज 1239। सॉल्व करेंगे इसे तो अगेन इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 और 50 का LCM निकालेंगे तो हो गया 50, 1 से 50 डिवाइड करेंगे तो 50 आएगा, 50 इंटू एक्स 50x प्लस 50 से 50 डिवाइड करेंगे 1 आया, 1 से 9x को इंटू करके लिखेंगे 9x इक्वल टू 1239। 50 प्लस 9 इज 59x अपॉन 50 इक्वल टू 1239। नाउ x की वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल टू 1239 इंटू में 50 एंड ये 59x में से x यहाँ आ गया, 59 अपॉन बन जाएगा 59। अब यहाँ डिवाइड करेंगे, चेक करते हैं कैसे डिवाइड होगा, यहाँ देखिए 50 है नीचे 59 तो ये तो आपस में डिवाइड होने वाला नहीं है। ओके, किसी भी टेबल से डिवाइड नहीं होगा दोनों। अब यहाँ चेक करते हैं 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 9 15, ये तो 15 3 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा, 9 प्लस 5 14, बट ये डिवाइड नहीं हो रहा है। सो रूल नहीं, कोई भी रूल नहीं काम करेगा, किसी टेबल से ऊपर नीचे डिवाइड नहीं हो रहा है। सो इन दोनों को आपस में हम मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वल टू, तो मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, इधर एक जीरो है पहले जीरो लगा दिया ही हमने, अब 5 से 1239 को इंटू कर देंगे तो 9 5 जार 45 का 5 आ गया, कैरी 4, 5 3 जार 15, 15 प्लस 4 इज 19, कैरी 1, 5 2 जार 10, 10 प्लस 1 11 का 1, कैरी 1, 5 1 जार 5 एंड 1 6, 61950 अपॉन में आ गया 59। अब 59 से इसे डिवाइड करेंगे तो डिवाइड कर लेते हैं यहाँ रफ में, ये हो गया हमारा 59, 61950। सबसे पहले वन टाइम में होगा 59, माइनस करेंगे तो आ गया 2, इस पे आ गया 9, 29 59 से छोटा है, यहाँ बड़ा नंबर चाहिए, सो एक 5 को और ले लेंगे, जब दो नंबर एक साथ हम नीचे उतारते हैं तो उसके बदले एक 0 यहाँ आ जाता है। क्लियर, अब 5 से डिवाइड करेंगे, 59 इंटू 5 होता है 295, कैंसिल हो गया, ये 0 आ गया यहाँ, यही 0 फिर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 1050, सो इक्वल टू में रुपीज 1050 इज द आंसर। एंड इसी के साथ आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।